नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वर्चुअल आईटी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अक्षय कुमार ने एक और मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे इनकी मूवी रिलीज नहीं हो पा रही है, बहुत सी मूवी अटकी पड़ी है, तो दोस्तों यहाँ पे एक और मूवी अनाउंसमेंट करने का क्या फायदा था। तो दोस्तों बताया जाए ओ माई गॉड की बात की जाए तो ओ माई गॉड 2012 में एक मूवी आई थी जिसका नाम ओ माई गॉड था। ये ऑस्ट्रेलियन मूवी द मैन हु सूड गॉड, इस मूवी का रीमेक बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बनाया गया था इंडिया के अंदर। तो दोस्तों हमें परेश रावल, अक्षय कुमार, ओम पुरी साहब और मिथुन चक्रवर्ती इस मूवी हमें देखने वाले। यहाँ पे दोस्त बात की जाए तो ये वो सूर्यवंशी, बेल बॉटम, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, अतरंगी रे जैसी मूवी और राम सिद्धि जैसी मूवी अटकी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये तो मूवी अटकी पड़ी है जहाँ पे ये रिलीज नहीं हो पा रही है। इस साल मतलब इस साल तो एक भी नहीं आई, पिछले साल एक आई थी जिसका नाम लक्ष्मी बॉम्ब था, वो भी OTT प्लेटफॉर्म के अंदर रिलीज की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार का इनका कुछ ये बताया जा रहा है। और दोस्तों ओ माई गॉड जो मूवी पार्ट टू होने वाली है, इसमें हमें लीड एक्टर में दिखने वाले लीड में हमें दिखने वाली है यामी गौतम। जी हाँ दोस्तों, फेयर एंड लवली की जो सुपरस्टार हैं यामी गौतम हमें इसमें दिखने वाली हैं। और इसमें हमें बताया जा रहा है कि इसके अंदर पंकज त्रिपाठी भी हमें दिखने वाले हैं दोस्त। और दोस्तों यहाँ पे ट्विटर पे फिल्म फेयर ने यहाँ ट्विटर पे लिखा हुआ है अक्षय कुमार स्टार्टेड ओ माई गॉड टू फीचरिंग यामी गौतम एंड पंकज त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों, तो ये न्यूज़ जो है पूरी की पूरी कन्फर्म है, क्योंकि फिल्म फेयर में आपने जो देखा उन पे ब्लू टिक लगाया है, वो वेरीफाइड है, तो वो बिल्कुल झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे दोस्तों। उसमें अक्षय कुमार की हमें दिखने वाली है जोड़ी भी, इसको यामी गौतम के साथ, या जी हाँ दोस्तों फर्स्ट बार मतलब पहली बार हमें दिखने वाली अक्षय कुमार के साथ यामी गौतम की जोड़ी। तो दोस्तों इसमें परेश रावल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, दोस्तों आपकी क्या राय है वो कमेंट करिए। क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर ओ माई गॉड की कोई जान थी तो वो परेश रावल थे। भले अक्षय कुमार ने जो उसमें गॉड का रोल किया है, जो मेन जो रोल था वो परेश रावल जी का रोल था। तो दोस्तों आपकी क्या राय है आपने कमेंट जरूर करने पड़े, आप मतलब कमेंट कीजिए ताकि आपको मतलब इनका भी और भी स्टार है जो अभी ज्वाइन करेंगे इनमें। मतलब अभी तो सिर्फ तीन लोग ही फाइनल हुए, अक्षय कुमार, यामी गौतम है, पंकज त्रिपाठी। दोस्तों अभी और भी इसमें होंगे। दोस्तों बताया जाए जो ओ माई गॉड फर्स्ट जो मूवी थी अक्षय कुमार मतलब परेश रावल जी की, वो 20 करोड़ के अंदर बनाई गई थी दोस्तों वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हो चुकी थी। तो दोस्तों उसी को उठा के जी हाँ तेलुगु मूवी में जाके एक और मूवी बनाई गई जिसका नाम गोपाला गोपाला। जी हाँ दोस्तों, गोपाला गोपाला वहाँ तेलुगु में मूवी बनी हुई है दोस्तों, और कन्नड़ में भी वो मूवी बनी हुई है दोस्तों। तो उस मूवी को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला वहाँ पर जाके तेलुगु के अंदर। तो मेरे को लग रहा है अक्षय कुमार की ये मूवी जो होने वाली है, तो अभी शायद मेरे ख्याल से मल्टी लैंग्वेज में रिलीज करना चाहिए इनको, क्योंकि दोस्तों अब अक्षय कुमार को हर लोग पसंद करते हैं, अब अक्षय कुमार हर जगह फेमस होना चाहिए दोस्तों। बॉलीवुड के अंदर अक्षय कुमार 200 या 300 करोड़ कमा लेते हैं दोस्तों, तो अगर वो मल्टी लैंग्वेज मूवी रिलीज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सबका सब जितने भी यहाँ बड़े बड़े स्टार बने बैठे हुए हैं, वो सबका मुंह क्या बंद हो सकता है दोस्तों। दोस्तों आपकी क्या राय है? और दोस्तों मतलब अगर आपको लगता है कि अक्षय कुमार को मतलब ओ माई गॉड में परेश रावल जी होना चाहिए और कौन कौन होना चाहिए, और अक्षय कुमार को इस मूवी को मल्टी लैंग्वेज के अंदर रिलीज करना चाहिए, तो दोस्तों ये सब तब होगा जब जाके आप वीडियो को लाइक करेंगे, तब वीडियो में जब कमेंट करेंगे आपको दोस्तों ये सब चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।